नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन वहां स्थिति अब भी सामान्य नहीं। हसीना के इस्तीफे के बाद से हिंसा, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले, आगजनी और लूटपाट की जा रही है। अब इसके विरोध में बांग्लादेश हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहां की स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति बनाई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने विभिन्न हिंदू संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन निकाला है। इस दौरान हिंदू संगठन के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का विरोध किया। उन्होंने बांग्लादेशियों से होश में आओ, तेरा मेरा रिश्ता क्या, जय जगन्नाथ, जय श्री राम जैसे नारे भी लगाए गए। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू, हिंदू लाइव्स मैटर जैसे बैनर और पोस्टर भी अपने हाथों में लिए हुए। बांग्लादेश में हमले के खिलाफ हजारों हिंदुओं का प्रदर्शन। हम इसी देश में पैदा हुए हैं और यहीं मर जाएंगे। हसीना के विरोधियों से मिल रहे थे अमेरिकी अधिकारी। महिलाओं का बलात्कार, घर मंदिर में आगजनी। हम यहाँ उड़कर नहीं आए हैं, देश नहीं छोड़ेंगे। अप्रैल 2023 की बात है। शेख हसीना बांग्लादेश की संसद में भाषण देते हुए कहती है कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में सत्ता बदल सकता है। अगर उन्होंने यहाँ कोई सरकार बनवाई तो वो लोगों की चुनी सरकार नहीं होगी। हसीना के इस बयान के 1 साल 3 महीने बाद 5 अगस्त को न सिर्फ उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है बल्कि देश तक छोड़ना पड़ा। 3 दिन बाद बांग्लादेश में गुरुवार रात को अंतरिम सरकार बनी। सेना ने इस सरकार को एडवाइजरी काउंसलिंग नाम दिया है। नोबेल पीस प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस को उसका चीफ बनाया गया है। वहीं आपको बता दें, रैली में एक हिंदू नेता ने कहा कि हम इसी देश में पैदा हुए हैं, ये देश सभी का है, यहाँ के हिंदू देश नहीं छोड़ेंगे, ये हमारे पूर्वजों की जन्मभूमि भी है, हम यहाँ से उड़कर नहीं आए हैं, ये किसी के बाप का देश नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भले ही मर जाए लेकिन अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे।